हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था कोमल का ट्रांसफॉर्मेशन ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट, बहुत सारे वेट मेंटेनेंस के रिगार्डिंग चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग करते रहते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोमल का ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे मैंने मैंशन करा था कि 1 ईयर से मेंटेनेंस पे है। सिमिलरली मेरे बहुत सारे और क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे और मेरे मेम्बर्स हैं जो कि वेट लॉस कर चुके हैं एंड वो वेट मेंटेनेंस पे हैं, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल से। एंड उन्होंने जो वेट लॉस किया था, फॉर एग्जाम्पल 30 kg डाउन, 35 kg डाउन, 40 kg डाउन, 45 kg डाउन, सो उनका जो वेट मेंटेनेंस में 1 से 2 किलो का फ्लक्चुएशन चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नाउ मेरा ये मानना है कि वेट लॉस जो है वो एक ताला है, चाबी है वेट मेंटेनेंस। ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी जाके चीज़ प्रॉपर बनती है। बहुत सारे मेंबर्स हैं मेरे पास जो वेट लॉस करके चले जाते हैं, 6 महीने बाद वापस आते हैं कि उनका बाउंस बैक हो गया, एक्स वाई जी रीजंस की वजह से, स्ट्रेस आया, खा लिया, प्रॉब्लम में आई, ले लिया। तो प्रॉब्लम, स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका वेट गेन बाउंस बैक होगा ही होगा। बट अगर आपने वेट मेंटेनेंस सीख लिया और कुछ कुछ डिसिप्लिन चीज़ों से आपने अपनी लाइफ आगे कैरी फॉरवर्ड करी तो आपका वेट लॉस किया हुआ गेन बैक नहीं होगा। कभी भी हम वेट लॉस को पकड़ते हैं, हमें इस तरीके की लाइफस्टाइल ऑप्ट करनी चाहिए कि जब हम वापस वेट मेंटेनेंस पे जाएंगे या अपनी नॉर्मल लाइफ पे जाएंगे खान पान की, तब जाके हमारा जो वेट है वहीं पे सस्टेन करे। आपने अगर बहुत ज़्यादा लो कार्ब डाइट पकड़ा है, आपने फास्टिंग पकड़ा हुआ है, आपने कीटो पकड़ा हुआ है, आपने हाई प्रोटीन डाइट पकड़ा हुआ है जिसमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं है, फैट बिल्कुल भी नहीं है, आपका वेट लॉस जो हुआ है वो बाउंस बैक इमिजिएटली करेगा ही करेगा। नाउ वेट मेंटेनेंस का प्लान मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरीके से आपका शेड किया हुआ वेट उसी नंबर पे स्टे करेगा लंबे पीरियड में अगर आप कुछ कुछ डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेंगे और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऑप्ट करेंगे। मुझे वेट लॉस किए हुए आज हो गए हैं 5.5-6 साल और मैं स्टिल लगी रहती हूँ कि हाँ मुझे और कम करना है, और कम करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, ऐसी फिगर चाहिए, वैसी फिगर चाहिए, विच मीन्स मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, या फिर मैं ये बोलूँगी मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ और मुझे एडिक्शन है अपनी चीज़ों की, ना कि हाँ मुझे ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना वो करना है। जब भी आप अपने पे ध्यान देना बंद कर दोगे आपका सारा चीज़ें छूट जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, आफ्टर माई एंगेजमेंट मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा आउटिंग भी होता है, स्पेशली डिनर्स भी होते हैं, बट उसको मैं मैनेज करके चलती हूँ, बैलेंस करके चलती हूँ। एंगेजमेंट के बाद मेरा वेट एक झटके में बढ़ा था 7 और 8 kg, नाउ अगेन वो मैंने 2 महीने के अंदर बैक टू नॉर्मल कर लिया, अगेन आई एम ऑन 61-62, ऐसे मेरा वेट मैनेज होता रहता है, दो इट्स 2 किलो अप, बट अगेन इट्स ओके। सो यहाँ पे बात करती हूँ वेट मेंटेनेंस की, कि किस तरीके से मैंने वेट मेंटेन कर रखा है, किस तरीके से आप वेट मेंटेन करोगे, किस तरीके से मेरे बाकी मेंबर्स ने वेट मेंटेन कर रखा है। सो लाइफस्टाइल में ना कुछ डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, नींद, 8 घंटे की नींद, आपके सीड्स के वाटर, आपके फूड के टाइमिंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिनर पे कंट्रोल करना, माइंड को इतना संभालना कि जितनी भी क्रेविंग्स मुझे डिनर के टाइम पे हो रही है, मिडनाइट हो रही है, या फिर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे और कुछ खाना है, जस्ट मार्क माई वर्ड वन थिंग, ये सिर्फ एक जस्ट क्रेविंग्स है, नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही आपके सामने आपका खाना है, तब जितनी क्रेविंग्स ख़त्म करनी आप तब करना। मैं यहाँ पे हर किसी को एक ही चीज़ बताती हूँ कि अपनी मॉर्निंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। मैं यूजुअली मॉर्निंग का जो रूटीन फॉलो करती हूँ और जितने मेरे बाकी मेंटेनेंस के मेंबर्स फॉलो करते हैं अपना मॉर्निंग का रूटीन, उसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं जूसेस। 99.9% मैं जूसेस लेती हूँ, रेड जूस हो गया विद सोक ड्राई फ्रूट्स हो गए, हमारे आंवला का जूस हो गया विद सोक ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर मेरा एप्पल साइडर विनेगर का वाटर हो गया, या मेरा जिंजर का वाटर हो गया, गार्लिक का वाटर हो गया, या फिर सीड्स वाटर, मेरा जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, तेज पत्ता, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब का वाटर। एंड जितने भी हम सीड्स के वाटर लेते हैं, आई मेक श्योर कि अगर मैं जूस नहीं ले रही देन वाटर ले लूँ मैं सीड्स वाले सोक्ड वाटर। बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है देन मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें से बहुत सारे वाटर्स मैंने अलग अलग टाइप के मेंशन कर रखे हैं। आप बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों को पकड़ो, जैसे पनीर डुब्बा का पानी हो गया, आपका अर्जुन की छाल का पानी हो गया, आपका गोखरू का पानी हो गया, या आपके जितने भी सीड्स हैं उनका वाटर ले लो या फिर जूसेस आप लेंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर मॉर्निंग का जो शुरुआत है, एक गिलास पानी पीने से नहीं या चाय पीने से नहीं, आपके इन सब चीज़ों से ही मॉर्निंग का रूटीन होगा, या फिर फ्रेश जूसेस, या फिर सीड वाटर, या फिर एप्पल साइडर विनेगर। नेक्स्ट, ये जो वाटर है ये हम कितने बजे तक लेंगे? 8 बजे से पहले पहले आपकी मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो कवर हो जानी चाहिए।
नेक्स्ट अब हम जंप करते हैं ब्रेकफास्ट में. जितने भी आप सेलिब्रिटीज पिक करते हैं या जितने भी लोगों को आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को पिक करते हैं या फिर कोई भी आपकी एक आइडल बॉडी होती है कि यार मुझे ऐसा बंदा है या ये पर्सन चाहिए, आप किसी का भी ना ब्रेकफास्ट आप उठाओ, हर बंदा अपना ब्रेकफास्ट हैवी प्रेफर करता है. जितने मेरे पास मेंबर्स आते हैं 100 किलो के, 150 किलो के या 120 किलो के, मैं उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ब्रेकफास्ट किया या करते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करते. सो जब भी आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे आपका मोटापा और ज़्यादा बढ़ेगा. इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी. नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या पिक करना है. होममेड फ्रेश कुक ब्रेकफास्ट, उसमें हम इडली सांभर ले सकते हैं, स्टफ परांठी ले सकते हैं, किसी भी टाइप के परांठी ले सकते हैं, आप सैंडविचेस प्रेफर कर सकते हैं, आप स्टफ चीले ले सकते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आपकी फ़्लाइट है या आपको कहीं मीटिंग पे जाना है, आप कुछ कुक नहीं कर पा रहे या आपको बिल्कुल कुकिंग का टाइम नहीं है, आप अपने पास पैकेट ऑफ मूसली तो एटलीस्ट रखो. आप कम से कम बाहर की मूसली ले सकते हो या होममेड बनी हुई मूसली भी आप उसको ले सकते हो. सो ब्रेकफास्ट किए बिना कभी भी घर से बाहर नहीं जाना, ना ही काम करना. और बड़े लोग भी बोलते हैं बिना ब्रेकफास्ट किए तो वैसे भी बरकत नहीं आती ना. सो ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. बट उससे पहले ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स, आपका 10 बजे से पहले, चाहे जितना भी आपको रश हो, जो भी आपकी लाइफ में ब्लंडर हो रहा है, 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए. ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना. बेस्ट टाइम फॉर ब्रेकफास्ट इज 8 से 9 बजे के बीच का. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी सीजनल फ्रूट पिक करना है जो भी आपके पास हो, जो भी उस टाइम पे आपके घर पे मिल रहा हो. और फ्रूट्स की शॉपिंग करने आपने खुद से जाना है या फिर आप कोई भी लड्डू भी ले सकते हैं होममेड बना हुआ, या फिर अगर आपको मीठे की क्रेविंग है आप कोई भी मिठाई भी अपनी पिक कर लीजिए. मेरे को मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, सो आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जो होममेड लड्डूज मेरे पड़े हों और साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट आप पिक कर लीजिए. बट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चिल्ड सा ठंडा चाहिए, अगर आपको समर्स में मैंगो शेक का बहुत ज़्यादा शौक है, तब आप ना मिड ब्रेकफास्ट के अंदर अपना हाफ ग्लास मैंगो शेक भी पी सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लंच की. बट लंच से पहले हम मिड ब्रेकफास्ट पे एक चीज़ और बोलेंगे. जो जो लोग मिड ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और भूखे रहते हैं, लंच तक उनको डबल भूख लगती है और वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं. सो अब हम बात करते हैं लंच की. और लंच का टाइमिंग होना चाहिए हमारा 1:30 और 2 o'clock से बिल्कुल पहले पहले. लंच का विंडो ओपन होता है 12 से 2:30 बजे के बीच का, बट मेक श्योर कि आप 12:30-1 बजे तक अपना लंच जो है वो फिनिश कर लें. नाउ लंच में आई लव राइस. मैं खिचड़ी, राइस, इन सब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. या फिर मुझे एवोकाडो मिल जाए, उसके रोल्स मिल जाए, उसके रैप्स मिल जाए, सो या तो मैं लेती हूँ एवोकाडो रोल और रैप, या फिर मैं राजमा चावल ले लेती हूँ, छोले चावल ले लेती हूँ, ब्राउन राइस विद सौते वेजीज ले लेती हूँ, या फिर किसी भी टाइप की कोई भी खिचड़ी बना लेती हूँ. बट मेरे को लंच में राइस तो चाहिए चाहिए. आप लोग लंच के अंदर अपनी रोटी एंड सब्जी भी प्रेफर कर सकते हैं एंड साथ में बाउल ऑफ कर्ड. बट मेक श्योर बाहर का लंच कतई मत करना. और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है देन यू कैन प्रेफर सब्वे या फिर कोई भी सैंडविच. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवनिंग टी. नाउ इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग होती है जब मैं वेट मेंटेनेंस में होती हूँ. ऐसे सिचुएशन में पोहा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है. सो आई प्रेफर पोहा या फिर होममेड सैंडविच. मैं 99.9% प्रेफर करती हूँ कि वीक में चार बार या तीन बार ना मैं कोई भी इन्फ्यूजन टी ले लूँ या फिर कोई भी इंच लॉस टी ले लूँ. बट 2 से 3 बार ना मेरी कॉफ़ी या फिर मिल्क वाली टी हो ही जाती है एंड मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है. उसमें मैं एक चम्मच दो चम्मच देसी खांड भी डाल लेती हूँ. उससे मुझे बड़ी ज़्यादा शांति मिलती है और मेरा काम चलता चला जाता है. इससे आपको ये हेल्प मिलता है कि डिनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर हो जाता है. अगर आप खुद सोचो 1:30-2 बजे का आपने खाया हुआ, इवनिंग टाइम भी आप स्किप कर रहे हो, लाइट ले रहे हो, तो डिनर तक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करोगे. नेक्स्ट मॉर्निंग आपका वेट गेन आएगा. सो मेक श्योर आपको भूख नहीं लगने देनी है. सो इवनिंग के टाइम में मैं अपने आप ही ना कुछ भी हैवी मील ले लेती हूँ. जैसे कुछ स्नैकिंग टाइप हो गया, पोहा ले लिया, 2 इडली ले ली, सैंडविचेस ले लिए, या फिर मेरा कॉफ़ी ले ली. कॉफ़ी के साथ मैं कुछ भी स्नैकिंग ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ. मखाना ले लिया या फिर कोई सीजनल फ्रूट पड़ी है वो ले लिया मैंने. और अगर बहुत ज़्यादा मेरे को इमरजेंसी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे वर्कआउट करने जाना है, देन मूसली के साथ मैं मिल्क ले लेती हूँ एक पूरा बाउल एंड वो मेरे को गुड टू गो रहता है. अब हम बात करते हैं डिनर की. सो डिनर यूजुअली मैं स्किप करती हूँ. मैं मेक श्योर रखती हूँ कि 6 बजे के बाद मैं ना खाऊँ. मैं बिल्कुल भी 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ और ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है एंड उससे मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है. मेरा टमी जो है वो फ्लैट रहता है, मैं बिल्कुल लाइट फील करती हूँ एंड आई प्रेफर दिस वाला विंडो कि हाँ मैं डिनर में बिल्कुल स्किप करती हूँ. बट समटाइम्स ऐसे भी होते हैं जब मुझे डिनर पे बाहर जाना पड़ता है. अगर मैं बाहर जाती हूँ डिनर में देन आई प्रेफर ओनली मिस्सी रोटी एंड सूखी हुई सब्जी या फिर दाल साथ में एंड साथ में खीरा प्याज टमाटर. या फिर अगर डिनर मुझे करना भी है देन आई मेक श्योर मैं अपना ना चिया पुडिंग ले लूँ या ओट्स सोक्ड वाले
ओट्स ले लूँ एंड ये मेरे इमरजेंसी वाले मील्स रहते हैं, बट 99.9% मैं डिनर स्किप करती हूँ। बट येस, अगर मुझे भूख लगती है देन मैं किसी भी टाइप का कोई शीरा बना लेती हूँ, मूंग दाल वाला शीरा हो गया हमारा, बेसन का शीरा हो गया, एंड इसी तरीके से मैं अपना वेट को जो है मेंटेन करती हूँ एंड बाकी सारे मेरे मेंबर्स मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में आई प्रेफर 99.9% शतावरी या फिर त्रिफला पाउडर। यहाँ पे एक सबसे बड़ा एलिमेंट आता है हमारी डाइट के अंदर, चीट मील्स। क्या हम बाहर का कभी नहीं खा सकते? क्या हम यूजुअली जो खाना खाते हैं वो हम कभी भी प्रेफर नहीं कर सकते? या फिर हम हमेशा यही इस खाने के ऊपर स्टे करेंगे? क्या हम बाहर जाएंगे नहीं खाएंगे? मैं बाहर जाती हूँ, मुझे आप लोग बहुत सारे लोग मिलते हो मॉल्स में, कैफेज में, और मैं तो वैसे ही बिग फूडी हूँ और मैं बाहर के खाने के बिना मैं नहीं रह सकती। मैं अच्छा खासा खाना खाती हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं तो मीठे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे डेजर्ट्स हो गए या फिर मेरे को लाइक आइसक्रीम्स हो गई बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है विद आइसक्रीम्स हो गए, या फिर मैं अब तो मैं प्योर वेजिटेरियन बन चुकी हूँ बट समटाइम्स लाइक मेरे को ग्रिल्ड चिकन विद सौते वेजीज कभी बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, और मैं घर पे ही फ्रेशली पास्ता बना लेती हूँ। मुझे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया आजकल, तो मैं वीट पास्ता जो होता है वो मन की तसल्ली है, बट मैं वीट पास्ता भी बना लेती हूँ। पर ये जितनी भी चीटिंग्स होती है ना मेरी, आई मेक श्योर 4 बजे से पहले मैं अपना खा पी लूँ बढ़िया से। और संडेज जो होता है वो मेरा हमेशा चीट डे रहता है, व्हेनेवर आई एम ऑन अ वेट मेंटेनेंस। सो संडे को तो मैं छोला भटूरा, पाव भाजी, जितना लाइक देसी में जितना भी आप जंक काउंट कर सकते हो मैं हर वो चीज़ लेती हूँ। मीठी लस्सी, परांठे एकदम तले हुए, मैं वो सारी चीज़ें खाती हूँ, बट वन डे ऑन संडे। बिकॉज अगर आप क्रेविंग्स अपनी कंट्रोल करोगे तब आप बिल्कुल भी, जब फटोगे क्रेविंग्स पे तब आप बहुत ज़्यादा ओवरईट करोगे। सो ये पूरा तरीका है अपने आप को वेट मेंटेनेंस पे रखने का। वेट मेंटेनेंस बहुत सिंपल चीज़ है, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल कि आपको 3 बजे से या 4 बजे से पहले अपनी क्रेविंग्स खत्म करनी है और उसके बाद आप गुड टू गो पूरा टाइम चलते चले जाओगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है स्पेशली आफ्टर वेट लॉस, बिकॉज गेन होने में सेकेंड लगता है, लूज़ करने में आपके महीनों की पूरी मेहनत है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझाई हैं। आई होप ये चीज़ें बहुत आपको काम आएगी अगर आप वेट लॉस कर चुके हो, आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी और बैलेंस करके आगे लेकर चल सकते हो। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। एंड पानी का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ 3.5 से 4 लीटर का पानी सिप सिप करके हमने हमेशा पीना है। सो यार, दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।